प्रखंड के अम्बा गांव में आज भी लोग दूसरों के घर पर रहने को विवश हैं। जी हां, ये सच है। अम्बा के दक्षिण टोला निवासी गोसाई लायक का कच्चा मकान इस वर्ष बारिश की चपेट में आकर अच्छा खासा नुकसान किया है। उनके कच्चे मकान का एक तरफ का दीवार गिर चुका है, जिस वजह से वो परिवार पश्चिम टोला के एक घर में रहने को विवश है। भुक्तभोगी गोसाई लायक ने बताया, इस वर्ष ज्यादा बारिश होने के कारण उसके कच्चे मकान का दीवार गिर गया। यहाँ रहने में बहुत डर लगता है, इसलिए वो और उसकी पत्नी पश्चिम टोला में रिश्तेदारों के घर में रहने को विवश है। आपके चैनल के माध्यम से वो सूबे की सरकार, जिला उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि उस गरीब को पीएम आवास से जोड़ा जाए, जिससे कि उसका अपना घर हो और उसके परिवार सकुशल रह सके। वहीं पश्चिम टोला के हाराधन गोराई एक कच्चे मकान में बहुत ही मुश्किल से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाराधन का एक ही मिट्टी का कच्चा मकान और बगल में रसोई घर है, जिसमें दीवार नीचे की जमीन पूरा सनता हुआ है। कभी भी बड़ी दुर्घटना घटने की स्थिति बनी हुई है। हाराधन गोराई ने बताया कि जब ज्यादा बारिश होती है तो हम रात भर सो नहीं पाते, बड़ी चिंताजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वहीं उनके पत्नी सुमित्रा गोराई ने बताया, ऐसे में ही डर कि साए में रसोई घर में खाना बनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे खाना बनाते होंगे। हम प्रदेश सरकार एवं जामताड़ा उपायुक्त से मांग करते हैं कि जांच उपरांत पीएम आवास से जोड़ा जाए। जब इस संबंध में हमारे आरपी भारत संवाददाता ने प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमान मारांडी से दूरभाष से बात की, तो उन्होंने बताया कि पहले उन दोनों पीड़ितों का पीएम आवास प्लस सूची में नाम दर्ज है या नहीं, ये देखने का विषय है। अगर आवास प्लस में उनका नाम है तो दोनों को प्राथमिकता सूची के आधार पर उन्हें आवास का लाभ दिया जा सकता है। लेकिन अगर आवास प्लस में दोनों का नाम नहीं है तो आज के समय में आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। रही बात उनके घर स्थिति जर्जर है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो किसी दूसरे के घर में आश्रय दिया हुआ है तो ये सच में उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत की बात तो है ही। तो इस स्थिति में कोई सरकारी भवन या सभा भवन है जहां सरकारी कामकाज में व्यवहार नहीं होता, तो उन्हें उस जगह पर रहने की व्यवस्था की जा सकती है। पुनहित से चंचल गिरी की रिपोर्ट। घर द्वार सब पड़ गई है, घर द्वार किस नहीं, घर चाहिए আমার খুবই দুরবস্থা। আমি পরে ঘরে বাস করছি, আমরা তিনজন আছি, আমার ছেলে, আমার স্ত্রী, আমি। হ্যাঁ, তো পরে ঘরে বাস করছি, একটা ঘরের জন্য আমি ইয়ে করছি আপনাদেরকে, আমার ঘর জানাতে হয়। এই বছর আমার বৃষ্টিতে ঘর পড়ে গেছে, আমার ঘরে মানে কোনো রকমই থাকার জায়গা নেই, ওই জন্য আমার পরে ঘরে এখন মানে আশ্রয় নিতে হয়েছে। হ্যাঁ, তা ঘরের জন্য আমি স্যার অনুরোধ করছি, ঘর যেন আমার একটি হয়। আর ঘর স্যার আমার মতো লোককে পাওয়ার জন্য অবশ্যই দরকার। তো যাচ করেন, দেখুন যে আমি কি দুরবস্থায় আছি বা কি দুরবস্থায় বাস করছি। আমার ঘরের এই অবস্থা, এই ঘর থাকার ঘর নাই, ঘরের তো পজিশন দেখে বুঝতেই পারছেন কেমন ঘর। আর কোনো কিছু যদি কোনো অসুবিধা হয়ে যায়, কোনো কিছু রিয়েল পড়ুক, তো জীবনে ধানেই মারা যাবো, আর যাওয়ার কোনো জায়গা নাই। তো যদি সরকারি আবাস পাওয়া যায় তার খাদ্য একটা বন্দোবস্ত হয়েছে সরকারকে, ওইটি বলছি যে যদি কোনো ব্যবস্থা হয়। আমার ঘর নাই, দোয়ার নাই, আমার দুটো মেয়ে কোথায় থাকবো, ঘরে খুব জল পড়ে, থাকবার জায়গা নাই, ঘরগুলো সেটে গিয়েছে, দেয়ালগুলো পড়ে গেছে, ওটাই ভাঙা ঘরে আছি। রান্না করবার সময় খুব জল পড়ে ঘরটাই, রান্না হয় না, খুব কষ্ট হয় রান্না করতে, জলের উপরে শুয়ে থাকি। हमें देखिए, पहला तो हमको चेक करना होगा कि उन दोनों का नाम आवास प्लस में है कि नहीं है। अगर आवास प्लस में उन दोनों का नाम है तो उनको अब देखना पड़ेगा कि प्राथमिकता सूची में कहाँ पर है, उसके बेसिस पर उसको दिया जा सकता है। अगर आवास प्लस में दोनों का नाम है नहीं तो आज के डेट में उनको आवास योजना का लाभ तो नहीं दिया जा सकता है। रही बात उनका घर की स्थिति अगर जर्जर है, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी दूसरे के घर में आश्रय दिया हुआ है जी, तो ये भी उनके लिए दिक्कत तो है ही। तो उस कंडीशन में वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कोई अगर सरकारी भवन है जो अनयूज्ड है, जैसे हम एरिया में देखते हैं कि कोई सभा भवन कहीं खाली पड़ा हुआ है, या उस टाइप का कोई भी अगर सरकारी बिल्डिंग है जो खाली है और जो विभाग में यूज होता नहीं है आज के डेट में, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर तत्काल जब तक उनका उपाय हम लोग नहीं करा पा रहे हैं वो वहाँ पर रह सकते हैं, या उसकी व्यवस्था वहाँ पर हम लोग करा सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू सर। दान निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।